असलम दिस इज अलियसन एंड यू आर वॉचिंग एच एम टूटोरियल सो इन दिस वीडियो लर्न अबाउट द टेल शिफ्ट बलर टूल सो टेल शिफ्ट ब्लड टूल की मदद से हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक एंगल क्रिएट हो जाता है जिसमें हम ब्लड अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ये एक पिक्चर देख सकते हो यू कैन यूज एनी पिक्चर राइट सो so, इस पिक्चर में हम ब्लर uh, डालना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि सिर्फ जो हमारा कैरेक्टर है सिर्फ इस पर फोकस रहे और लेफ्ट एंड राइट जो भी हम चाहते हैं कि ब्लर हो जाए वो एक एंगल पे ब्लर हो जाए सो so, मैं यहाँ से अगर जो फ़िल्टर मैंने अप्लाई किया हुआ है अगर मैं इसे ऑन करूँगा सो यू कैन सी कि हमारे साइड्स पे जो है वो ब्लर हो चुकी है लेफ्ट पे राइट पे ऊपर से नीचे से जहाँ से भी मुझे चाह रहा था मैंने वहाँ पे ब्लर कर दिए एंड दिस इज़ डन By using few clicks, okay, so this is really easy. So see the difference difference, this is this was a real image or just coming in blur it So jo is character ke around the tamam mom, and this character is in focus. So we're gonna learn to create this in Photoshop. So without further ado, let's start the tutorial. सो so, मैं यहाँ से इस लेयर को हाइड कर देता हूँ कंप्लीटली और इसकी जो एक मैंने डुप्लीकेट जनरेट की थी उसको मैं यहाँ से दोबारा इनेबल करता हूँ सो दिस इज द हमारे पास जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज है राइट right? और इस इमेज को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है इस लेयर को और सेलेक्ट करने के बाद यू कैन हैव टू गो हेयर आप राइट right क्लिक भी कर सकते हो और ये आप हेम्बर्कर देख रहे हो यहाँ पे जाके यू कैन क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट सो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा आप देखोगे यहाँ पे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन भी बन चुका है राइट सो so, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है एक फ़िल्टर डालना है सो यू हैव टू गो टू फिल्टर और यहाँ पे जाके ब्लर गैलरी और यहाँ से आपने चूज करना है टिल्ट शिफ्ट ब्लर सो जैसे आप करोगे आपके पास कुछ लाइंस बनी हुई आ जाएंगी सो so, सबसे पहले हम इस लाइंस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं ताकि आपके साथ फिर बाद में आपको इसके साथ प्ले करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा ओके okay? सो so, यह दरमियान में एक पॉइंट देख रहे हो जो कि हमारा फोकल पॉइंट है मतलब यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करना है ये चीज़ ब्लर नहीं होने वाली उसके बाद हमारे पास दो सॉलिड लाइंस हैं सॉलिड लाइंस का मतलब ये है कि इस लाइन के बाद हमारा ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद इस लाइन के बाद सारा ब्लर है और सॉलिड लाइन से लेकर डोटेड लाइन के दरमियान ब्लर की ट्रांजिशन है यानी सॉलिड से डोटेड रख जाते हैं हमारी ट्रांजिशन कंप्लीट होगी टू ब्लर सो अगर आप चाहते हो कि होरिजेंटल में आपने रखना है so सो आप वो भी कर सकते हो अगर आप इसको वर्टिकल में करना चाह रहे हो मींस फॉर एग्जांपल लेफ्ट और राइट करना चाह रहे हो तो आपने यहाँ पे आना है इस डॉट के पास और आप देखोगे यहाँ पे आके ये एक रोटेट आइकन बन जाएगा ठीक है सो आपने इसको रोटेट करना है आप इस तरह किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हो इसको तिरछा भी रख सकते हो सो जैसे आपको लगे बट मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा अब मुझे चूंकि वर्टिकल चाहिए और नाइन्टी एंगल पर चाहिए सो मैं जब इसे रोटेट करूँगा तो अपना शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट करूँगा ठीक है जैसे शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे रोटेट करूँगा तो ये नाइन्टी के एंगल पर यहाँ पर आके मैं इसे छोड़ दूँगा आप देखोगे नाइनटी के एंगल पे वर्टिकल हो चुका है सो अब क्या करना है अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो है ना थोड़ा सा नज़दीक देखो अब यहाँ से ब्लर देखो जैसे मैं इस लाइन के ऊपर आप जाओगे ना ये डोट है डोट से रोटेट करते हो लाइन के ऊपर जाओगे आप बस ये एक एरो आ जाएगा मतलब इसको आप ड्रैग कर सकते हो सो आप यहाँ से देखोगे यहाँ से ब्लर होना स्टार्ट हो रहा है सो मैं इसे बिल्कुल इस लड़की के हाथ के करीब लेके आता हूँ सो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ इसे और मजीद साथ लेके आता हूँ यहाँ पे तकरीबन रखता हूँ ताकि हाथ भी ब्लर ना हो एंड वी हैव कम्प्लीट ट्रांजेक्शन इस तरह मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा इससे मैं हैंड के एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल यहाँ पे ले आऊँगा ठीक हो गया और इसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखो तो यहाँ पे आपको ब्लर अमाउंट भी दी हुई है तो अभी 15 पिक्सल है जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो साइडें और ज़्यादा ब्लर हो जाएंगी कम करूँगा तो उस हिसाब से सो मैं इसे ट्वेल्व पिक्सल के अबाउट रखता हूँ राउंड अबाउट ताकि ज़्यादा ब्लर भी ना हो राइट और इस तरह करने के बाद मैं यहाँ से आप डिस्ट्रॉशन भी देख सकते हो अभी डिस्ट्रोशन जीरो है सिर्फ ब्लर हुआ है आप देखो जैसे ही मैं डिस्ट्रॉशन यहाँ से बढ़ाऊँगा आप पीछे बैकग्राउंड में देखोगे कि डिस्ट्रॉट हो रहा है सो so, मैं यहाँ से डिस्ट्रोशन को बढ़ाता हूँ सो so, अब आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रोशन आ चुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई फास्ट मोशन ब्लर है मैं आप इसको कम करता हूँ सो so, डिस्ट्रोशन खत्म हो रही है सो so, मैं इसकी डिस्ट्रोशन भी थोड़ी सी यहाँ पर रख लेता हूँ लाइक दैट और ये करने के बाद वन यू आर सेटिसफाइड वॉट यू हैव टू डू आपने यहाँ से सिंपली ओके करना है ओके okay करोगे तो आपका ये इफ़ेक्ट आ चुका है अभी यहाँ नीचे से और ऊपर से भी कुछ मुझे ब्लर चाहिए सो so, मैं इसके ऊपर अगेन फिल्टर में जाऊंगा और ब्लर गैलरी और एक इसके ऊपर अगेन टिल्ट शिफ्ट ब्लर मैं अप्लाई करूंगा एंड दिस टाइम आई एम गोना कीप इट होरिजेंटल सो मैं इसे ले जाऊँगा थोड़ा सा ऊपर करूंगा यहाँ पे रखूंगा ताकि यहाँ से स्टार्ट हो और इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊंगा ताकि ब्लर इसी के अंदर ही ट्रांजिशन ज़्यादा जल्दी हो जाए और ज़्यादा ऊपर ना जाए इसी तरह मैं इस लाइन को भी नीचे करूंगा इसके मैं हाथ तक ले जाऊंगा ताकि हाथ इसके क्लियर रहें यहाँ तक क्योंकि यहाँ से फिर ग्रास स्टार्ट हो जाती है राइट सो so, मैं थोड़ा सा और नीचर रखता हूँ यहाँ पर और इस लाइन को जो ट्रांजिशन लाइन है मैं इसको मैं ऊपर ले आऊँगा यहाँ पे रखूँगा बल्कि इसे थोड़ा सा मैं और नीचे करता हूँ लाइक यहाँ पे रखता हूँ ताकि ट्रांजिशन अच्छी हो जाए हमारे पास ठीक है और यहाँ से मैं इसे करता हूँ ब्लर अमाउंट सेम एट 15 इसको मैं 12 करता हूँ जो हमने दूसरे फिल्टर के साथ किया था सो इसको मैं ट्वेल्व पिक्सर करके और यहाँ पर हम डिस्ट्रोशन भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं लाइक दैट बल्कि इधर हम डिस्ट्रोक्शन नहीं बढ़ाते क्योंकि इसमें इस कैरेक्टर्स की लेग्स भी आ रही हैं तो हम यहाँ से करने के बाद जीरो करेंगे और इसे ओके okay करेंगे लाइक दैट सो नाउ यू कैन सी कि अब हमारा ब्लर यहाँ पे हो चुका है एंड वी हैव अप्लाइड द टिल शिफ्ट ब्लर सो मैं इस एफेक्ट को अगर रिमूव करूँ सो दिस वॉज द ओरिजिनल इमेज जिसमें हमारे पास बाईसइकिल है और काफ़ी और चीज़ें भी हैं बैकग्राउंड में सो so इसको हम इस इफेक्ट की मदद से ब्लर कर सकते हैं मैंने ब्लर की अमाउंट भी कम ही रखी थी टू जस्ट यू नो अप्लाई कि पता लगे कि कुछ इसके ऊपर इफेक्ट इस्तेमाल हुआ है और ज़्यादा भी ना हो सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ अ टिल शिफ्ट आप इसको अपने किसी भी इमेज पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे बैकग्राउंड में काफ़ी सारा है अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ें हैं और आप इसको इस ब्लर टूल की मदद से टिल शिफ्ट की मदद से आप एक एंगल के ऊपर आराम से इसको यूज़ कर सकते हो सो आई होप दिस वॉज अ गुड ट्यूटोरियल एंड आपने कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखा होगा अगर वीडियो पसंद आई है तो यू नो द ड्रिल आपने इसको लाइक करना है सब्सक्राइब करना है और शेयर इट इन योर सर्कल सो अंटिल में नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखी होती मुलाकात फिर अल्लाह हाफिज़